أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. हमें चाहिए कि हम युजारसीब की मावनत करने वालों की राह में आयल हो जाए। जब लोग युजारसीब से ताउन ही नहीं करेंगे तो युजारसीब की शिकस्त यकीनी होगी। मैं तो कहता हूँ कि हमें युजारसीब को मार डालना चाहिए। अगर हमने युजारसीब को नहीं मारा तो वो मामत के खिलाफ एक ऐसी अजीम कुव्वत बनकर उभरेगा कि फिर हम किसी तौर भी उसकी तरक्की और कामयाबी की राह में हायल नहीं हो सकेंगे। ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हमें ताबीर ख्वाब को इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। हमें खुद युजारसीब को बढ़ा चढ़ा कर लोगों के सामने पेश नहीं करना चाहिए। जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं उनके मुताबिक हमारी शिकस्त का वाकया तमाम लोगों की गुफ्तगू का मौजू बना हुआ है। अब अगर हम खामोश बैठे रहे तो लोग हमारे खिलाफ उठ खड़े होंगे। कल युजारसीब के लिए मरासम जरी का इनेकाद किया जाएगा, लिहाजा लोगों के दरमियान फैल जाओ और युजारसीब जो खिताब लोगों से करे उसके मुतालिक लोगों को शक व शुबे में मुबतला करो और उस पर कायम लोगों के इतमाद को कमजोर करो, वरना जैसा कि आपोकी ने कहा यकीनन वो नाकाबिले शिकस्त हो जाएगा। मैंने सालों कसरे पोती फार में उसके साथ जिंदगी गुजारी, अगरचे उस वक्त वो अपने खुदा के मुतालिक खुल्लम खुल्ला कुछ नहीं कहता था, तब भी सब उसे और उसके खुदा को पसंद करते थे और उसकी खातिर माबद में भी कम आया करते थे और आमून की खिदमत में नजराने चढ़ाने भी कम कर दिए थे। यह
ठीक है, जाएं और कल की रसूमात के लिए तैयारी करें। लोग गर्व से आ रहे हैं। आमून होतब सोम की तदफीन के लिए गए हुए थे। हाँ, उन्हें मरे और हुनूत हुए 40 रोज गुजर चुके हैं और आज उनकी तदफीन है। मुझे तो फरमा रवा आमून होतब चाहरूम बहुत पसंद है। सुना है वो जंग और खून रेजी के बड़े खिलाफ हैं। मैं उन्हें पसंद नहीं करता क्योंकि वो आमून पर ईमान नहीं रखते। आमून होतब चहरम नहायत मेहरबान और रहम दिल है। उम्मीद है कि ये गरीबों को हम पर तरजीह नहीं देंगे। ज़ार सिर्फ मुशीर खास यही है। हाँ, ये वही अजीम मुअब्बिर हैं कि जिसने तमाम मुअब्बिरों को शिकस्त दी थी। यही है कितने हसीन और दिलनशीन हैं और कितने मेहरबान और रहम दिल मालूम होते हैं। नादान, फरमारवा की सवारी गुजरते वक्त सुकून इख्तियार करना चाहिए।
मैं आमून होता बे चाहूं फरमा रवाए मिस्र आज युजासी पे हकीम जो इल्म तावील ख्वाब में यद तूला रखते हैं और ताबीर ख्वाब में जिनका कोई सानी नहीं, हम इन्हें बतौर मुशीर खास और वजीर ज़रात मिस्र मुंतखिब करते हैं और इन्हें आज मिस्र के आला तरीन मकाम यानी मकाम जदी से नवाजते हैं। मैं दाना व मुदब्बिर फरमा रवाए मिस्र का सिपास गुजार हूं। अभी जब फरमा रवा आमून हो तब मुझे मकाम जर्री से नवाज रहे थे तो मेरे जहन में माजी की एक याद आ गई कि जब मैं कस्र पुतिफार में था कारी मामा नदीमा बानु जुलेखा जब भी चाहती कि मुझे हकीर और बेवकूफ जाहिर करें तो मुझे बादिया नशीन चरवाहा कहकर मुखातिब करती। आज जिस वक्त जनाब फरमा रवा ने मुझे वजीर खजाना और वजीर ज़रात मिस्र के ओहदे पर फाइज किया तो मैंने खुद से सवाल किया कि भला एक बादिया नशीन चरवाहा इस अजीम जिम्मेदारी से क्यों कर ओहदा बरा हो सकता है। बस एक मर्तबा युजार सिब मेरे हत्ते चढ़ जाए तो एक लम्हे को भी इसे जिंदा ना छोड़ूं। इजाजत दीजिए मैं आप लोगों से उस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं और मुझे सिखाया गया है खिताब करना। मैं खुद को मिस्र के लोगों का खादिम समझता हूं, ना कि उनका आका और सरदार और मालिक और मुख्तार। मैं आप मिस्र के लोगों से चाहता हूं कि मेरा साथ दीजिए ताकि मैं आप सब लोगों की खिदमत बतरीक एहसन अंजाम दे सकूं। आप लोग इस बात से तो कमोबेश आगाह होंगे कि मिस्र को 7 साल कहत तो खुशकसाली का सामना है और 7 साल फराबानी नेमत और बारान रहमत का। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर पत्थर पर भी बीज बोएंगे तो वो जरूर सब्ज बराबर होगा, लिहाजा जहां तक मुमकिन हो अभी से काश्त करना शुरू कर दें और जो काश्तकार जितनी ज्यादा गंदम काश्त करेंगे और जितनी कसीर मकदार में गंदम हुकूमत की तहवील में देंगे हम उस जेर काश्त रकबे के मालिकाना हुकूक उनके हवाले कर देंगे। मैं जानता हूं कि मिस्र की तमाम अमलाक के आप मालिक और मुख्तार हैं, इस सिलसिले में बाद में आपकी खिदमत में वजाहत पेश करूंगा। हमें क्या मालूम के लोगों की दी हुई गंदम को वापस उन्हीं लोगों को भारी कीमत में नहीं बेचेंगे। गंदम की खरीदो फरोख्त और जमा आवरी और निगहदाश्त का काम आपके मुंतखब किए हुए नुमाइंदों के तवसुत से अंजाम पाएगा। मामूरीन हुकूमत सिर्फ आप पर नजर रखेंगे। आप अपने सालाना जरूरत के मुताबिक गंदम और आइंदा साल भर की जरूरत के बीज अपने पास रखें और बाकी मानदा तमाम गंदम हुकूमत की तहवील में दे दें। आप हुक्मरान हजरात अगर इतने ही बासलाहियत है तो कोई कतई फैसला करे, तब आवाम भी आपकी हिमायत
करने की पाबंद होगी। हुकूमती मामलात अगर अवाम के जेर नजर अंजाम पाए तो अवाम हुकूमत की मुआविन हुआ करती है, और अगर यही अवाम उनसे बेखबर हो तो कभी मुआविन साबित नहीं होती। हर शख्स जब अपनी गंदम खुद ज़खीरा कर सकता है तो तुम्हारे हवाले भला क्यों करे? मुस्तकबिल करीब में हम गंदम की निगहदारी की गर्ज से वसी इम्कानात फराहम करेंगे। अलबत्ता हर शख्स अपनी गंदम अपने पास महफूज कर सकता है, लेकिन अगर किसी भी वजह से जाया हो जाती है तो हुकूमत मिस्र उसे गंदम का एक दाना भी नहीं देगी। हम गंदम सिर्फ उसे देंगे जिससे गंदम वसूल की होगी। हुकूमत की तहवील में गंदम देने से काश्तकार न सिर्फ अपनी अपनी जेरे काश्त जमीनों के मालिक हो जाएंगे बल्कि खुद को कहत के खतरे से भी महफूज रख सकेंगे। ये क्या मजाक है? किस तरह मुमकिन है कि लोग मिस्र के गोशे गोशे से गंदम लाकर यहाँ तिब्स में आपके हवाले करें? गंदम की वसूली और नकलो हमल की सहूलत के लिए हर शहर के गंदम के जखायर के गोदाम हम उसी शहर में तामीर करेंगे ताकि लोगों को जहमत न उठानी पड़े। क्या उन्होंने तुम्हारी बातें सुन ली? इस कहर से नबरत आजमा होने के लिए हमारे पेशे नजर चंद तजावीज हैं जो बाद में आप लोगों के सामने पेश कर दी जाएंगी। अफसोस हमने युजासिफ से जाके बात क्यों नहीं की? पहली बात तो ये कि वो हमें उन तक जाने नहीं देते, और दूसरी युजासिफ को आपसे बात करने में कोई खास दिलचस्पी भी नहीं है, और वैसे भी आप उनसे जाकर क्या कहती? ये कि आप उन्हें बहुत पसंद करती हैं, या ये कि उन्हें पे जुर्म खता जो कैद में रखा उसकी सफाई पेश करती? युजासिफ शायद जानता नहीं तमाम काश्तकार आमून होतब की जमीनों पर काश्तकारी करते हैं। युजासिफ एक ना तजर्बेकार जवान है, वो अपने इन इकदामात से मिस्र की जड़ों को खोखला कर देगा। हुकूमती इमलाक को यूं लोगों के हवाले कर देने से फरमा रवाए मिस्र अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाएंगे। हालांकि माबद आमून की तमाम काबिले काश जमीनें और माबद का तमाम तर सरमाया अपनी जगह महफूज और बाकी रहेगा। ऐसी सूरत हाल में तो हमें चाहिए कि हम युजारसीफ के काश्तारी के मामलात में बिल्कुल मदाखलत ना करें, बल्कि सिर्फ हुकूमती मामलात में उसके बढ़ते हुए असर रसूख को मुस्तहकम ना होने दें। अगर होशियारी से काम ले तो हम युसूफ के जवाब की राह हमवार कर सकते हैं। बस हमें इसके लिए दो अहम शख्सियात की हिमायत दरकार होगी। यानी कौन? पहली शख्सियत तो होरम हूफ है, महाफिज आला। और दूसरी शख्सियत? बानुटी, अमून हुसैन की माँ। क्या वो हमसे ताउन करेगी? ये तो हमारी कोशिश पर मुनसर है। अगर होरम हूफ और बानुटी का ताउन हमें हासिल हो जाए तो युजारसीफ की शिकस्त यकीनी समझो।
जरूरत पर बिना रूस बिना रूस हम आजाद हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ मुझे इसकी खबर है। मैं जानता हूँ कि आप लोग आजाद हो गए हैं और यकीनन जनाबी इजाजीफ से मिलना चाहेंगे। अच्छी बात है, परेशान मत हो। ठीक है, आप लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर खबर करता हूँ। मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ थे? जनाब इजाजीफ आपकी तलाश में है। मेरी तलाश में? और क्या, क्या आप मालिक नहीं है? क्यों नहीं हूँ मालिक, मालिक इब्ने ज़ार। बहुत खूब, आप यहीं इनके साथ ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, हम बहुत खुश हैं इजाजीफ। अच्छा, हम बहुत खुश हैं इजाजीफ। बस आपके एक इशारा करने की देर। आली जनाब, मुखल होने के माफी चाहता हूँ। क्या बात है बिनारूस, कहो। जावेरा के कैदी आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद है आली जनाब, क्या इजाजत देंगे? तो बिलाखिर आ गए। हाँ जरूर, उन सबको मेरे पास लेकर आओ। और हाँ, मालिक इब्ने ज़ार भी मिल गए हैं। वो कहाँ है? वो भी दूसरों के साथ आपके दीदार के मंतजर खड़े हैं। मैं खुद उनसे मिलने के लिए चलता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हैं? आपको देखने को तरस गए थे। कैसे हैं आप लोग? आप यहाँ क्या कर रहे हैं और इतने परेशान हाल क्यों हैं? हाँ मैं हूँ नबी खुदा, मैं हूँ मालिक नादिम पशमान, वही जिसने आपको बतौर गुलाम भेज डाला था। ये आप क्या कह रहे हैं मालिक, क्या मेरा हुलिया गुलामों का सा है? नहीं, आप तो आकाओं और आजाद मंशों की तरह नजर आते हैं। ये तो मैं हूँ जो सरगर्दा हूँ, परेशान हूँ। जब से मैंने आपको फरोख किया 20 साल होने को आए, मैंने तिप्स को नहीं छोड़ा। मैंने काफी कोशिश की लेकिन आपसे जुदा होने को मेरा दिल नहीं माना। आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो समझा था कि आप तिजारत के घर से मिस्र आए हैं। खुदावंद मुझे बख्शे कि आपको इस तरह सरगर्दाओं परेशान किया। लेकिन अब भी एक पैगंबर खुदा को बेचने का यह एहसास गुना मुझे मारे डाल रहा है। लेकिन ये सौदा ज्यादा बुरा भी नहीं था। आपने यूसुफ को बेचा और बदले में यूसुफ की मोहब्बत को पाया और मेरे हिस्से में गुलामी आई ताकि सरदारी मिले। मैं अब तक यहाँ इसलिए रुका रहा कि अपने गुज़श्ता गुनाह की तलाफी कर सकूं, और अब मैं आपसे दस्तबरदार होने वाला नहीं। आप हरगिज मेरे मदयून नहीं हैं। हाँ अलबत्ता खुदावंद ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसमें मेरी मदद कर सकते हैं। यकीनन मुझे आप सबके ताबुन की अशद जरूरत है। हम आपकी खिदमत करने के लिए ही तो यहाँ आए जनाब यूसुफ।
जनाब युजार शीफ, अगर इजाजत फरमाएं तो हम हमेशा आपके साथ रहना चाहेंगे। हम जानते हैं कि हम आपके किसी खास काम नहीं आ सकते, जो कुछ भी हमसे बन पड़ा उसमें कोताही नहीं करेंगे। बस आपके एक इशारा करने की देर है, आपके एक हुक्म पर हम अपनी जान पर खेल जाएंगे। इत्तेफाक से इस वक्त मुझे आप सब लोगों की अशद जरूरत भी है। मेरा ख्याल है कि सालों जिंदान में एक साथ हमारा रहना शायद इसी रोज के लिए था। आप लोगों को मुमलिकत के इंतजामी उमूर में मेरी मदद करनी होगी, मेरे साथ आइए। ऐसे बुरे हुए के साथ हम अंदर आएंगे? मैं आपके कुलूब देख रहा हूँ जो आईने की तरह साफ व शफाफ हैं। आपका जाहिर क्या अहमियत रखता है, मेरे साथ आइए। یہ قصر آمون ہوتا میں اب کیسے کیسوں کی آمدرفت ہو گئی ہے۔ درود بر فرمان دے حورم ہو۔ کیا بات ہے آپو کی؟ کاہن اعظم جناب آخمہو نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کو فرصت ملے تو معبد آ کر ان سے مل لیں۔ کس سلسلے میں؟ بندہ لا علم ہے، صرف اتنا فرمایا ہے کہ آپ سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ ٹھیک ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ آئیے آ جائیے، ہم اپنی اس آزادی پر آپ کی شکر گزار ہیں۔ ہم خوش ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ ہماری آزادی آپ ہی کی وجہ سے ہے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں۔ اور میں اس بات سے کہ آپ سب آزاد اور خوش ہیں بہت خوش ہوں۔ جناب اظہار شریف، نیم صابو آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا کہا؟ بانو بانو بانو، زلیخا نے مجھے آزاد کر دیا۔ بانو زلیخا نے مجھے آزاد کر دیا۔ تعجب ہے، گویا بانو زلیخا آزاد کرنا بھی جانتی ہیں، ہم تو سمجھے تھے کہ وہ صرف قید کرنا ہی جانتی ہیں۔ خداوند انہیں اپنے نفس کی قید سے آزاد کرے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کے حصول میں بہت سو کی حیثیت کو خاک میں ملا دیا اور بلا وجہ زحمتوں میں ڈالا۔ بیچارے بیچارے جناب پوتیفار، میں ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کتنے رنج اٹھائے ہیں۔ جناب یوزار صیف، آپ زلیخ اور پوتیفار کو سزا نہیں دینا چاہتے؟ ان سے آپ کو انتقام لینا چاہیے، انہیں سزا ملنی ہی چاہیے۔ میں نے انہیں معاف کیا، خداوند بھی انہیں معاف کرے، بس میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دیکھیں، یعنی میں انہیں شرمندہ ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ بیناروز علی جناب، ہمارے ان ساتھیوں کے لباس تبدیل کروا کے انہیں میرے پاس لے کر آؤ۔ اتحاد، آپ لوگ بیناروز کے ہمراہ جائیے، میں آپ لوگوں کا یہیں منتظر ہوں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خوب، تو میرے دیرینہ دوست، اب بتاؤ تم کیسے آزاد ہوئے؟ بانو زلیخا، جب آپ کی وساطت سے رہائی پا کر قصر واپس لوٹی تو آپ سے دیرینہ الفت کی یاد میں مجھے آزاد کر دیا۔ جناب پوتیفار کیسے ہیں؟ سنا ہے کہ کافی علیل ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، وہ بہت اذیت میں ہیں، ان کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ انہوں نے جو ستم آپ پر ڈھایا تھا، بس اس کے بارے میں سوچ کر ہمیشہ رنجیدہ رہتی ہیں۔ خداوند انہیں شفا دے۔ جناب اظہار شریف، میں نے دیکھا کہ کاہن آپو کی فرماندہ حورم ہوب سے باتیں کر رہا تھا۔ آپو کی کاہن قصر فرماروا آمون ہوتب میں کیا کر رہا ہے؟ مبادہ حورم ہوب کو ورگلا رہا ہو۔ یہاں اس کے آمدرفت تشویش کا باعث ہے، ممکن ہے وہ قصر کے تمام راز معبد کو بتا دے۔ میرے خیال میں اب جبکہ ہم نے اس کی شناخت کر لی ہے تو اب خطرے کی کوئی بات نہیں، ہم اس کے توسط سے قصر میں موجود معبد کے حامیوں کی شناخت کر سکتے ہیں، بس اس پر کڑی نظر رکھو۔ اطاعت علی جناب،
आज के बाद मेरे लिए इस तरह कभी मत झुकना। आदत से पड़ गई अली जनाब। तर्क कर दो। इताअत। جناب حرم ہوپ شرف باریا بھی چاہتے ہیں۔ کہو اجازت۔ درود خداوند بر خادم خدایان کاہن اعظم معبد آمون علی جناب آخما ہو۔ درود ہو کتھے آمون ہو تک کی لائک فائک فرمان دے جناب ہورم اوپر۔ آئیے آئیے یہاں میرے پاس بیٹھیے۔ اپو کی کاہن نے بتایا کہ آپ نے مجھے طلب کیا ہے، کہیے میں حاضر خدمت ہوں۔ سپاس گزار ہوں، مجھے نہایت خوشی ہوئی۔ ایک بات سے بہت پریشان تھا، لہذا ضروری جانا کہ اسے آپ سے بیان کروں۔ میں نے امون ہوٹپ کے اس جوان مشیر خاص کے ماضی کا بغور جائزہ لیا۔ کیا نام ہے اس کا؟ یوزار صیف۔ جی ہاں، یوزار صیف۔ ہاں وہی یوزار صیف۔ وہ بچپن ہی سے جب سے کسرے پوٹی فارم میں آیا تھا آمون پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور ایک انڈے کے خدا کی عبادت کرتا تھا۔ اب جبکہ وہ صاحب اقتدار ہو گیا ہے تو محبت کے خلاف ہونے سے نہیں چھوکے گا۔ اور دوسرے یہ کہ وہ کنانی چرواہا ایک بیگانہ ہے، اور یہ بات باعث شرم ہے کہ مصر جیسی قدیم تاریخی سرزمین کی باغ دوڑ ایک بیگانے کے ہاتھ میں ہو۔ ایک شخص جو دشمن آمون ہو آمون ہی کے شہر تبس میں ہم پر حکمرانی کرے۔ میں آپ سے جو آمون کے سچے پیروکار ہیں چاہتا ہوں کہ آپ قصر میں یوزار صیف کے اثر و رسوخ کو بڑھنے نہ دیں۔ جس تیزی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں جلدی آمون ہوتب کی جگہ بھی لے لے گا۔ جبکہ مصر کے دامن میں آپ جیسے لائے اور غیور فرماندے موجود ہیں۔ یہ آپ کی ذرہ نوازی ہے، میں مصر کو پسند کرتا ہوں اور آمون کی بھی پرستش کرتا ہوں، معبد اور آپ کے لیے بھی احترام کا قائل ہوں، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی بن پڑا وہ ضرور کروں گا۔ البتہ میں آمون ہوتب سے اپنی وفاداری پر ہرگز کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یوزار صیف نہ تو مصر ہے نہ معبد آمون اور نہ ہی آمون ہوتب۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بھی ہماری طرح مصر میں ایک بیگانے کافر کے اثر و نفوذ سے یقیناً رنجیدہ خاطر ہوں گے۔ شاید آپ اپنے دل کی بات اپنی زبان پر نہ لا سکیں، لیکن میں بلا جھجک کہہ دوں کہ میری اور تمام خادمین معبد آمون کی خواہش ہے کہ آپ جیسا با ایمان اور شجاع و دلیر جوان ہمارے اجداد کی سرزمین پر پوتیفار کا جانشین ہو۔ البتہ آپ جانتے ہوں گے کہ جناب پوتیفار سخت علیل ہے، اور یوزار صیف اور زلیخا کی جانب سے ان کی روح کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکیں گے۔ کوئی بھی اقتدار کو ناپسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اپنے آبا و اجداد کی سرزمین پر بیگانوں کے اثر و رسوخ کو پسند کرے گا۔ بہت خوب، اگر ایسی بات ہے تو معبد کے پاس ایسے کارندے ہیں جو آپ کو آپ کی شایان شان مقام کے حصول میں مدد کر سکے۔
लेकिन मैं युजार सीफ के बारे में ये वाजे कर दूं कि जब तक उन्हें आमून होतब की हिमायत तायद हासिल है और वो किसी खयानत के मुर्तकिब नहीं होते, मैं उनकी कोई मुखालफत नहीं करूंगा। लेकिन हमें हर किस्म की खयानत पर नजर रखनी होगी, जैसा कि आमून के साथ मुखालफत और खयानत, इसमें कोई शक नहीं। मापोजे आमून और आमून का दुश्मन है और अपनी दुश्मनी को मख्फी भी नहीं रखता। हाँ, ये मैं मानता हूँ। अरे जनाब, पोतीफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की जरूरत है और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, अपना ख्याल रखिए बानो। जो अदवियात सिन्हा ने कही है जनाब पोतीफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। जनाब, माफ कीजिएगा। बानोती उनका अगला हदफ है। मैंने काहिन आपुकी को देखा जो बानोती के कमरे की जानिब गया और चंद लम्हों बाद बाहर आ गया। तो यकीनन उन्हें भी होरमहूब की तरह माहू ने अपने पास बुलाया होगा। आरी जनाब, हमें कैसे मालूम होगा उनके दरमियान क्या बातें हुई? वो तो जाहिर है कि वो नहीं चाहते कि यूसुफ को उमूर मुमलिकत में दखल अंदाजी का हक हासिल हो और फरमारवा को किसी तरह मेरी माजूली पर मजबूर करें। हम उनके मंसूबों से कैसे बाखबर हों? फिक्र मत करें, खुदा ने चाहा तो वो इसका वसीला भी जरूर फराहम कर देगा। आली जनाब, आपके साथ ही शर्फ बारिया भी चाहते हैं।
हाँ तो दोस्तों, गौर से सुनिए, चंद अहम उमूर हैं जो आपको अंजाम देने हैं। पहली बात तो यह है कि आज से आप सबकी मसूलियत जनाब मालिक, जो एक दाना और तजर्बेकार शख्स हैं, उनके जिम्मे होगी, और आज के बाद मेरे और आपके माबेन ये और नीमी साबू राबते का काम करेंगे। और दूसरी गौर तलब बात वो ये है कि हमारी जंग काहिनान माबद आमून के साथ है और वो हमारी नाबूदी का इरादा रखते हैं। अगर हमने समझदारी से काम न लिया तो दुश्मन हमें नुकसान पहुंचा सकता है। आप लोगों की पहली जिम्मेदारी तो ये है कि फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश न कर सकने में काहिनान और माबरान माबद की शर्मनाक शिकस्त और मिस्र के दीगर खुदाओं के मुकाबिल खुदाई यकता की फतह के माजरे की जगह जगह तशहीर करो। बहुत से लोग अभी भी इस माजरे से बेखबर हैं और ये आगाही आमून और माबद आमून पर से लोगों के एतकाद को कमजोर कर देगी। और एक आखिरी बात यह कि मेरे पास सिवाय आप जैसे काबिल एतमाद और अमीन दोस्तों के कोई और नहीं, लिहाजा आप मेरी आंख और कान बनकर गिरा फरोशों और मुनाफा खोरों की गंदम की जखीरा अंदोजी और हुकूमत के खिलाफ काहिनों की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखें और मुझे बाखबर करें ताकि बरवक्त कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सके। तीसरी बात, हमें वसी पैमाने पर काश्तकारी की सूरत में कसीर मकदार में बीज की जरूरत होगी, लिहाजा आप दोस्तों की ये जिम्मेदारी होगी कि मिस्र में मौजूद गंदम की मुकम्मल तफसील से मुझे आगाह कीजिए। मुस्तकबिल में आपको मजीद संगीन जिम्मेदारियों का सामना होगा जिसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। बिना रुस नीमी साबो, हमारे ये दोस्त थके हुए हैं और इन्हें आराम की जरूरत है, लिहाजा इनके रहने का बंदोबस्त करो। खुदा बंद आपका निगहदार हो, फिर मिलेंगे। खुदा आपका हामी और नासिर। जनाब मालिक आप ठहरिए, आप एक जहांदीदा और तजर्बाकार शख्स हैं, मैं चाहता हूं कि इन तमाम उमूर में आप अपने मुफीद मशवरों से मेरी रहनुमाई फरमाइए। मुझे आप जैसे अमीन मुशीर की जरूरत है। जैसा आप कहें, मैंने कई काफिलों की रहबरी और रहनुमाई की है, लेकिन आज के बाद नबी खुदा मेरे रहनुमा और रहबर और हादी होंगे। आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर दिलो जान से अमल करूंगा। आमून होतब सोम के जमाने में आपने साबित कर दिया कि आप अपने मकासिद के हुसूल के लिए इंतहाई कदम उठाने से भी दरेग नहीं करेंगे। मैंने अपनी खादमा की वसातत से आपको खबरदार भी किया था कि आप लोग अपनी मनमानियों और कानून शिकनियों से बाज आ जाएं, और इससे पेशतर के उनके गुस्से की आग भड़क उठे उनसे अजर खाही कर लीजिए। लेकिन आपने उन्हीं के खिलाफ साजिश कर डाली, आपने तो अपने तई हम सबको मार ही डाला था। बेचारा अपोपिस जो आपकी इन साजिशों की भेंट चढ़ गया। बानूती फिलहाल काफी गुस्से में है, हकीकत इसके बरक्स है। जैसे कि आप फरमा रही हैं, उस वाकये में कसूरवार खुद आमून था। बहरहाल हतमी फैसले का अख्तियार मेरे बेटे आमून होतक के पास है, मैं उनके कामों में दखल अंदाजी तो नहीं कर सकती ना। फिलहाल मसला कुछ और है। मैं कहता हूँ खुदाओं के दुश्मन एक बेगाने को मिस्र जैसी कदीम सरजमीन के अमूर पर मुसल्लत नहीं होना चाहिए। आप जानती अगर युजार सिर्फ मिस्र की तमाम दौलत महज गंदम की खरीदारी पर सर्व कर देगा तो क्या होगा? अगले चंद ही दिनों में हुकूमत का दिवालिया निकल जाएगा और उसका इस्तेहकाम खतरे में पड़ जाएगा, और हमारे हमसाए ममालिक बआसानी उस पर लश्कर कशी कर सकते हैं। आपके मुकाबले के वसायल नहीं होंगे, आप जानती हैं गंदम की जखीरा साजी से महज सरमायादार और दौलतमंद अफराद ही बहरामंद हो सकेंगे। लिहाजा आपको मालूम है बानो जी, कोई भी अहमक काश्तकार कैद के जमाने का जखीरा मुफ्त में हुकूमत मिस्र के हवाले तो करने से रहा कि जिसे बाद में नहायत मिन्नत समाजित करके वापस लेना पड़े। बहनों, तमाम लोगों को यही खर्चात लाग है, लिहाजा इसका तदारुक करें। बिलफर्ज आपके खर्चात सही भी हों तभी मैं क्या कर सकती हूँ? आमून होतब जवान, वो आपका बेहद एहतराम करते हैं, आप उन्हें नसीहत कीजिए। क्या हमारे दानिशमंद बुजुर्ग और गयूर और दलेर जवान मर गए जो एक किनानी चरवाहा
हम पर हुक्मरानी करे। लेकिन आमोन होतब युजारसिफ को पसंद करते हैं, वो मेरी बातों को कोई अहमियत नहीं देंगे। अगर आपको ये पता चले कि युजारसिफ की नजर इक्तदार पर है तब क्या करेंगी? अगर कहीं ये पता चले कि हसूल इक्तदार के लिए वो आमोन होतब की जान लेने से भी दरेग नहीं करेगा तो? अगरचे अभी आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन यकीन जानिए कि इस जवान के जहन में हमारे खिलाफ कई मंसूबे हैं। बेहतर होगा इसके बढ़ते हुए कदम रोक लें। क्या आपने कभी ये सोचा है बानो? उसने चंद मुजरिम कैदियों को जिंदान जावीरा से आजाद करवाया और तमाम उमूर उनके सुपुर्द कर दिए। क्यों? क्या हौरम हूप जैसे कवि और शुजा मर्द कम है? आखिर क्यों हौरम हूप जैसों को युजारसिफ जैसों की जगह मुंतखब नहीं कर? मुझे बतौर खैर ख्वा जो कुछ कहना था मैंने कह दिया, बाकी आप खुद बेहतर जानती हैं। बेहतर होगा हमारी इस मुलाकात का किसी को पता ना चले, क्योंकि मुमकिन है कि लोग इस मुलाकात का गलत मतलब निकालना शुरू कर दें और मुझ में उनके जवाब देने का हौसला नहीं। नहीं मालूम कौन खादिम है और कौन खाइन। मैं बात करके देखती हूँ, देखो क्या होता है। बहरहाल मिस्र का मुकद्दर एक बेगाने के हाथ में नहीं होना चाहिए। क्या बात है? आज आखमाहू बानोती से मिलने आए थे और तकाजा किया है कि बानो युजार सीफ के दायरे इख्तियारात को महदूद करवा दें। उन्होंने कबूल कर लिया? वो अभी थोड़ी देर पहले ही फरमारवा आमोन होतब के पास गए हैं ताकि उनसे जनाब युजार सीफ की माजूली का तकाजा करें। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि वो यही इरादा रखती हैं। अच्छी बात है, अब तुम जाओ। इत्मीनान रखो कि मैं ये खबर जनाब इजाज़ सिर तक पहुंचा दूंगा। चलो अब तुम जाओ। तुम्हें उसे माजूल करना ही होगा। लेकिन क्यों माँ, ऐसा क्या गुनाह है इजाज़ सिफ का? ये बाई से नंगोआर है टिप्स में, खुदाए आमोन के शहर में, जहाँ तमाम के तमाम लोग अपने पूरे वजूद से आमोन की परस्तिश करते हो, वहाँ आमोन का दुश्मन साहिब इख्तदार हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि युजारसिफ को इख्तदार की हवस होगी। युजारसिफ साहिब इख्तदार हो या न हो, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही वाहिद शख्स हैं कि जो मिस्र को इस बहरान से निजात दिला सकते हैं। वही निजात दिला सकते हैं? तो फिर यूं कहो ना कि मिस्र के तमाम लोग मर गए हैं और अब हम अपने मुल्क की बागडोर एक बेगाने काफिर को सौंपने पर मजबूर हैं। आखिर तुम हौरम हूप जैसे शख्स की सलाहियतों से इस्तेफादा क्यों नहीं करते? आखिर युजारसिफ को इतने इख्तियारात क्यों दिए कि वो मुजरिम कैदियों से उमूर मम्लिकत में इस्तेफादा करे? मैं भी हौरम हूप को पसंद करता हूँ और उनकी सलाहियतों से बखूबी आगाह हूँ, लेकिन हर शख्स एक खास इस्तेदाद का हामिल होता है। ज़िमनन जावीरा के कैदियों ने सालों युजारसिफ के ज़ेर साया इस्लाह पाई है और अब वो पहले जैसे कैदी नहीं रहे। और फिर ये कैदी अपने गुज़िश्ता खताओं पर नादिम हैं और बड़ी खुश उसलूबी से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
میں نے تمہارے باپ کا دور حکومت بھی دیکھا ہے اور سالوں حکومت مصر سے وابستہ رہی ہوں. میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں وہ تمہاری اور حکومت مصر کے مفاد میں ہے. وہ تمہارا اور تمہاری اس مملکت کا دیوالیہ کر دے گا. تم جانتے ہو گندم کی خریداری میں مصر کے خزانوں کو خالی کر دینے سے مصر کو کتنے بڑے نقصان کا سامنا ہوگا؟ جانتے ہو کاشتکاروں کو فرما روا کی زمینیں بخش دینا تمہیں کس قدر غیر مستحکم کر دے گا؟ وہ تمہاری تمام مال و دولت کو لٹا دے گا. آپ درست فرما رہی ہیں. اگر جن خدشات کا آپ نے اظہار کیا ہے یوزار شریف کے پاس ان کا کوئی مناسب جواب نہ ہوا تو انہیں معزول کرنا پڑے گا. انہیں تسلی بخش منطقی دلائل پیش کرنے ہوں گے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. مجھے جو کہنا تھا سو کہہ دیا. باقی تم خود جانو. کوئی بعید نہیں کہ مقام فرما روائی کے حصول کی خاطر تمہارے قتل کا منصوبہ بھی اس کے ذہن میں پنپ رہا ہو. اب یہ پیشن گوئی کس نے کر دی ہے؟ صرف میرا نہیں کاہنان معبد کا بھی یہی خیال ہے. یہ لوگ سازشیں کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے.